हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइक्रो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट्सअप और सीक्रेट मैसेज कैसे कर देता हूँ। आइए सीख लेते हैं, क्योंकि नो बकवास ओनली ज्ञान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो हम सिंपली क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद आपको सिंपली सर्च बार में सर्च कर देना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है प्राइव नोट। तो आप जैसे कि नीचे में आपको दिखाई दे रहा है स्पेलिंग, आपको सिंपली यही स्पेलिंग को आपको टाइप कर देना है प्राइव नोट। आप प्राइव नोट को लिख देने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। सर्च वाले कर देने के बाद आपको सिंपली फर्स्ट वाले ही ऑप्शन में आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा प्राइव नोट, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आपको क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली ये करना है राइट योर नोट। अगर जो आपको व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज लिखना होगा तो आपको वो क्या मैसेज लिखना है आपको सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख दिए हाउ आर यू। आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है सो ऑप्शन, तो आपको सो ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आफ्टर रीडिंग इट, यानी कि अगर जो आप आफ्टर रीडिंग इट पर रहने देते हैं तो वो बंदा जिसके पास आपने मैसेज भेजा है वो जैसे ही पढ़ेगा वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर जो आप वन वन आवर फ्रॉम नाउ पे करते हैं तो वो 1 घंटे के बाद कोई 1 घंटे तक कोई भी मैसेज पढ़ सकता है, लेकिन अगर जो आफ्टर रीडिंग इट पर करेंगे तो कोई भी अगर जो एक बार मैसेज पढ़ ले तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो हम आफ्टर रीडिंग इट पर ही रहने देते हैं। आपको सिंपली यहाँ मैनुअल पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस मैसेज को। तो आपको सिंपली यहाँ पर हम वो पासवर्ड सिलेक्ट करें, तो 1 2 3 हम सिंपली यहाँ पर पासवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर कन्फर्म पासवर्ड पर हम 1 2 3, तो हम सिंपली यहाँ पर कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट नोट। तो आपको सिंपली क्रिएट नोट पर क्लिक कर देना होगा। क्रिएट नोट पर क्लिक कर देने को आपको देख सकते हैं कि ये जो मैसेज आपने वो इस तरह का एक लिंक बनकर आ चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रेस कर रखना होगा। प्रेस कर रखने के बाद आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली कॉपी लिंक टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपको जैसे तो आपको सिंपली इस पर बाहर जाना है। अब आपको व्हाट्सएप पर किसको मैसेज भेजना है आपको सिंपली व्हाट्सएप को ओपन कर लें। तो हम सिंपली व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप को ओपन कर लेने के बाद आपको जिसको मैसेज करना है आपको सिंपली उस पर उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टाइप ए मैसेज। तो आपको सिंपली टाइप ए मैसेज पर थोड़ी देर आपको सिंपली प्रेस कर रखना है। प्रेस कर रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेस्ट का एक ऑप्शन आ चुका है। तो आपको सिंपली पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे सेंड वाले आइकन पर आपको सिंपली इस मैसेज को सेंड कर देना है। आपने जिसको ये मैसेज भेजा है आपको सिंपली अगर जो आपको वो फ्रेंड ओपन करेगा तो आपको किस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा हम आपको दिखा देगा। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले व्हाट्सएप से सेकंड व्हाट्सएप में भेजा, यानी कि अपने फ्रेंड के पास भेजा, तो आपको हम सिंपली सेकंड व्हाट्सएप को ओपन करके दिखा देते हैं। तो जैसे कि ये इस मैसेज में हमने इस व्हाट्सएप में हमने उस लिंक को भेजा, तो आप ये देख सकते हैं यह लिंक जो है यहाँ पर आ चुका था। जैसे ही वो आपका फ्रेंड इस लिंक पर क्लिक करेगा तो जैसे ही तो वो डायरेक्ट होगा क्रोम ब्राउजर पर पहुंच जाएगा। तो आपको ही क्रोम ब्राउजर पर आपका फ्रेंड पहुंचेगा तो आपको उसको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली उस फ्रेंड को सिर्फ यस शो मी द नोट पर क्लिक करना है। यस शो मी द नोट पर क्लिक करने के बाद आपको जिसको आपने उसको मैसेज भेजा वो जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया है उस मैसेज को उसको बता देना। जैसे कि हमने उस मैसेज का पासवर्ड 1 2 3 रखा था, 1 2 3 रख देने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना। तो आप ये देख सकते हैं वो मैसेज शो हो गया है हाउ आर यू, हमने वह मैसेज हाउ आर यू ही भेजा। अगर जो वह फ्रेंड फिर से अगर जो कोई इस लिंक पर क्लिक करता है तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा नोट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ये नोट ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है एक बार पढ़ने के बाद। अगर जो आप 1 घंटे तक रखते तो वो मैसेज डिलीट नहीं होता, वो 1 घंटे तक कोई भी पढ़ सकता था, लेकिन हमने आफ्टर रीडिंग इट पर रखा था इसलिए अब ये मैसेज डिलीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अगर जो वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर